यही था जिंदगी का मकसद भाई। मजा आ रहा है बस लाइफ पे, ये से क्या चाहिए भाई। अब सेल्फी मार रहा है क्या, सेल्फी मारने दो कपल्स को, मुझे शर्म आ रहा है भाई, कुछ शर्म करो दुनिया, अरे दुनिया वाला। हेलमेट को अनिवार्य प्रयोग करने मोटरसाइकिल चालक ने सके पछाड़ी बहने हेलमेट लगाने, हेलमेट ले हम सुरक्षा कर एटा सामूहिक फोटो लिऊ हाई दामी हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग। और फिर मैं आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं एक ब्लॉग लेके आया हूँ, क्योंकि ये टाइम पे मैं घर पे बहुत बिजी हूँ गाइस, इसलिए मैं इतना ज़्यादा वीडियो डालने भी यूट्यूब पे नहीं पा रहा हूँ। उसके लिए मैं मेरे हृदय से माफ़ी चाहता हूँ। और गाइस मैं अभी बाहर जा रहा हूँ कुछ काम के लिए, नेपाल जा रहा हूँ, तो इसलिए गाइस वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर इतना ज़्यादा नहीं डाला था, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं डाल रहा हूँ गाइस। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दिल से, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं डाला तो भी आप लोग ने साथ दिया है, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है और जितने भी मेरे व्यूअर्स है, मेरे हृदय से आप लोग को शुक्रिया देना चाहता हूँ गाइस। आज फिर मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, पता नहीं है वीडियो कैसे होगा, वो तो वीडियो के लास्ट में ही मैं बताऊँगा अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत बारिश के टाइम है गाइस। हाँ बारिश के टाइम में, बारिश की वजह से मैं उतना ज़्यादा वीडियो अपलोड करने भी नहीं पा रहा हूँ, बाहर घूमने भी, बारिश पे कहाँ जाएंगे ना, वही बात है, इसलिए बहुत मुझे तकलीफ हो रहा है। पता नहीं और ब्लॉगर और यूट्यूबर लोग को हो रहा है कि नहीं, लेकिन मेरे को तकलीफ हो रहा है गाइस। तो भी मैं वीडियो लेके आया हूँ गाइस आप लोगों के लिए, मेरा वीडियो पे लास्ट तक बनी रही, लास्ट तक देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। चलते ये जो आप देख रहे हैं, ये अभी मैं एमएम तराई बोलते हैं इसको, एमएम तराई से वीडियो स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि उससे पहला तो थोड़ा मतलब वीडियो बनाने के मतलब वही शौक ही नहीं था। हाँ अभी वीडियो बनाना होगा इस, ये क्या बोलता है, तिराना का जंगल है, ये यहाँ से जाना पड़ता है मेरे को। अच्छा है ना गाइस, क्या क्या बस वगैरह चलता है, छोटा रास्ता है तो इसलिए थोड़ा धीरे जाना पड़ता है, अगर थोड़ा जल्दी जाएंगे तो फिर क्या पता भाई इसका टायर के अंदर में गुजर जाऊँ तो फिर क्या होगा भाई, मेरे भी घर पे कोई होगा ना, किसी ने मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मेरा माँ, मेरी बहन, मेरा भाई। गाइस मैं इसलिए आप लोग अभी ये कहना चाहता हूँ कि बाइक स्पीड मत भगाइए। हाँ बाइक स्पीड भगाने से क्या पता भाई फिर वापस आएंगे या नहीं। हाँ गाइस मैं यहाँ पर तेल भरूँगा। हाँ एक ही नहीं दिखते, पूरा डालना है भाई। ओह गया बाहर, ठीक ठीक। कितना, 760। चलो भाई घुसा नहीं होना, चले गए चलते, बस निकल रहा है। मजा भाग रहा है ना गाइस, मजा आ रहा है ना, बस यही था जिंदगी का मकसद भाई, मजा आ रहा है बस लाइफ पे, ये से क्या चाहिए भाई। बस मजा आ रहा है ना गाइस, मजा आ रहा है भाई, क्यों बताइए तो, क्योंकि उसके एबीएस सिस्टम में, एबीएस के कारण से ये ऐसा हो रहा है भाई। हाँ नहीं है ये क्या क्या है। अब यहाँ से मैं ऊपर वाला रास्ता जाऊँगा, अगर मैं ऊपर वाला रास्ता जाऊँगा तो गाइस मैं नेपाल पहुँच जाऊँगा, और नीचे वाला रास्ता जाऊँगा तो मैं फिर इंडिया ही पहुँच जाऊँगा, ठीक है। नहीं घूम के तो आ सकता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना है भाई, आप फोन कर जाना है राइट पे, धीरे करने का नहीं है। ओहो
विल्ली मार रहा है गाइस। लेकिन भाई विल्ली बोलने से विल्ली है भाई, टूट जाता है हाथ पैर, फिर क्या करेंगे है ना। इसलिए गाइस गाइस मैं फाइनली बॉर्डर पे आ गया हूँ, और ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है ना, इसका कांगर भीता बोलता है कि यहाँ से मैं जाऊँगा नेपाल, नेपाल पे भंसा काटना पड़ता है, उसके बाद में नेपाल जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ना देखता हूँ मैं भी सिस्टम कुछ अलग हो गया क्या, ये वाला फोर व्हीलर का है, टू व्हीलर का उधर है। और सुबह सुबह का यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं होता है, इसलिए मैं कैमरा को बंद करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ का छोटा वीडियो देखा नहीं देख सकता हूँ मैं आप लोग को, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ गाइस, उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। फाइनली मैंने बॉर्डर पार कर लिया हूँ, और यहाँ पर जो इंडिया का पुलिस लोग है ना, SSB कहते हैं उसको, सशस्त्र सीमा बल कहते हैं, उसने कैमरा अलाउड नहीं करता है कैमरा। अगर मुझे हम लोग को भी पता है अगर बॉर्डर एरिया पर भाई कैमरा अलाउड होगा तो क्या होगा, क्या टेररिस्ट घुस जाएगा भाई बॉर्डर एरिया को, प्रसार हो जाएगा तो क्या होगा भाई। ये नेपाल का मेजीपुर कहते हैं, ये जो पुराना ब्रिज है, और वो वाला जो आप देख सकते हो वो नया ब्रिज है। अब यहाँ से आगे जाना पड़ता है, यहाँ से आगे आगे और नेपाल है गाइस, जैसा भूटान और इंडिया का बॉर्डर है ना, ऐसे यहाँ पर भी नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ पर भी फिर कैमरा अलाउड नहीं है क्या यार। हम लोग का जो हम लोग का तो तकलीफ ही तकलीफ है, इधर भी रोक लेगा उधर भी रोक लेगा, किस हम लोग का तकलीफ कौन समझ सकता है भाई। हम लोग का तकलीफ ना अपना खुद ही रखना पड़ता है, ठीक है। गाइस आप देख सकते हैं ये बॉर्डर है, और पुलिस लोग ने मेरे को कुछ नहीं कहा, हाँ पकड़ लिया था लेकिन कुछ नहीं कहा, लेकिन वीडियो पे दिखाना तो नहीं पाए। और यहाँ से मैं राइट मोड़ता हूँ, और यहाँ पर एक दिन के लिए टैक्स काटना पड़ता है, टैक्स काट के ही जाना पड़ता है, वरना फिर पुलिस ने पकड़ लेगा मेरे को, 10,000 के चालान, 10,000 के चालान काट लिया तो फिर करेंगे क्या। हाँ, और यहाँ से मेरे को काटना है एक दिन का भंसा काटना पड़ता है, एक दिन का भंसा काट के भी है कि नहीं। ठीक है, यहाँ से मैं RC क्या चाहिए मेरे को, RC पेपर चाहिए, और वो चाहिए ना बेटा भाई इसी थोड़ा, और यहाँ पर काटना पड़ता है। इसमें आपको दिखाऊंगा गाइस, मैंने फाइनली देखिए मांसा काट लिया हूँ, ये टैक्स पेपर है जो कटा हुआ हुआ, कैमरा अलर्ट तो नहीं था, मैंने छुप के काटा हूँ गाइस। गाइस फाइनली मैंने सब पेपर भी काट लेगा, तो मुझे कुछ किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, तो नहीं लेकिन ये रास्ता जाता है कहाँ, मैं इधर से जाऊंगा, यहाँ से एंट्री होना है और यहाँ से चलना है, चलेगा बस। देखिए आप यहाँ पर नोटिस वगैरह रखा क्या क्या रखा है, कितना किलोमीटर मेरे को जाना है, दौरान है लिखा है, लिखा नहीं है, देखा नहीं मैंने लिखा है कि नहीं। गाइस मैं नेपाल एंट्री हो गया हूँ, अपन नेपाल एंट्री हो गया रे गाइस, यहाँ से आपको इंडिया का नहीं मिलता है, यहाँ से सब नेपाल का ही मिलता है, पता नहीं ये को अरे को पी पता नहीं ये प्रदेश नंबर ये क्या लिखा है, 11 नंबर पे ऐसे मिलता है गाइस। चलिए गाइस चलते हैं आगे, वाह कितना बड़ा बड़ा कैमरा रख दिया रे, क्या क्या नाम लिखा है रे, ये देखिए ये देखिए इंडिकेटर भी नहीं मार रहा है भाई, ऐसे चल रहा है, और क्या बोलता है हाथ दे रहा है, फिर बाद में जब मैं उधर पहुंच गया हाथ दे रहा है, मैं बोला था ना एक्सीडेंट हो गया, बोल के आपको पता है आपको इंडिया पे ना इंडिकेटर देता है ना भाई, वो ना फिर आगे से हाथ दिखाना चाहिए ना, तब पता चलता है, थोड़ा मैं स्पीड में होता तो मार देता पीछे से उसको, मैं भी चला जाता उसको भी मैं पलटी कर लेता, बाद में फिर हरिन मार रहा हूँ, फिर हाथ दिखा रहा है, फिर कभी जाओ भी बोल रहा है, करूँ मैं क्या, पीछे से मार दो क्या उसको, वही है ना बात, तो इसलिए एक्सीडेंट होता है, ये रास्ता में धीरे चलाने का जल्दी कत नहीं। गाइस मैं बिरतामोठ पहुँच गया हूँ, ये जो आप देख सकते हैं ये जगह को कहते हैं बिरतामोठ, हाँ यहाँ पर एक शाइनिंग है। लेकिन ना आपको एक बात कहूँ, आपको
ये नेपाल पे ना ट्रैफिक सिग्नल कहाँ पर भी नहीं है। शायद काठमांडू पे, मैं एक बार गया हूँ काठमांडू पे, ट्रैफिक सिग्नल हाँ वो छोड़ के कहीं नहीं है ट्रैफिक सिग्नल। भाई ट्रैफिक देखना है क्या देखना है, सिग्नल देखना है क्या देखना है, होता ही नहीं। इसलिए इंडिया पे तरह ये यहाँ पर अरे भाई सिग्नल आ गया वो आ गया, होता ही नहीं यहाँ पर। तो जितना अपना दम पे जितना चलना है उतना ही चलना है। हाँ लेकिन ये ऐसा, इसलिए ये देखिए ये भाई उधर जाना तो वहाँ से करना चाहिए ना। इसलिए गाइस नेपाल पे ना जल्दी चलाने का बहुत डर लगता है। अरे बाबा वो देखिए ये देखिए ये रहा ये मैम क्या बोलता है वो किसके तरह चलती जा रही है, वो होता है ना टर्टल्स, टर्टल्स नहीं जंगल पे क्या बोलता है उसके, एक्चुअली जो रुकता नहीं है और वो जल्दी भी चलता नहीं है, जो है मर जाए वो, लेकिन अपना जो आगे का जो क्या बोलते डेस्टिनेशन है ना वो चलते रहता है। गाइस मुझे लगता है साला नेपाल का ना ये से अच्छा रास्ता नहीं मिलेगा गाइस, यही होगा शायद नेपाल का टप अच्छा रास्ता। बाप रे अभी तक मैं इतना झमला नफरा में पड़ रहा था, रास्ता ही नहीं है अच्छा। तब तो फिर स्पीड कैसे चलाएंगे भाई, पहुँच जाएंगे जल्दी कैसे। अरे कितने सारा नेपाल इसी ने तो नेपाल में इतना ज़्यादा नदी है, उसका ब्रिज भी इतना ज़्यादा है गाइस, यहाँ वही यहाँ इधर ही ब्रिज उधर ही ब्रिज, कितना ब्रिज है कितना ब्रिज पार कर लेंगे रे गाइस। यहाँ पर सेल्फी मार रहा है गाइस, सेल्फी मारने दो कपल्स को, मुझे शर्म आ रहा है भाई, कुछ शर्म करो दुनिया, अरे दुनिया वाला। ईटे के भी है ना क्या का, मैंने पता था इंडिकेटर चला नहीं, उधर से इधर रास्ता कर रहा है। पता नहीं चल रहा है हेलमेटको अनिवार्य प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल चालकले, सके पछाडि बस्नेले पनि हेलमेट लगाउने, हेलमेटले हाम्रो सुरक्षा गर्छ। हामी कतिपयको बानी के छ भने हेलमेट लाउँदाखेरि गाह्रो हुने, गर्मी हुने, के हुने र ट्राफिक प्रहरीको लागि आँखा छल्न मात्रै हेलमेट लगाइदिन्छौँ हामी, हो नि यो कुरा कतिले महसुस गर्नुभएको छ। ट्राफिक प्रहरीको आँखा छल्न हेलमेट लगाउने होइन, हेलमेट हाम्रो मेरो आफ्नो सुरक्षाको लागि लगाउने हो भन्ने कुरा हामीले सोच्नु पर्यो र हेलमेट लगाइसकेपछि पनि फिता राम्रोसँगले बाँध्नु पर्यो। ल एउटा सामूहिक फोटो लिऊ है त हामी, लाग्यो हुन्छ हस् हस्।
गाइस, दो मिनट लेक्चर दिया, पता नहीं है क्या बोल दिया भाई, पता नहीं है क्या बोल दिया तो, लेकिन दो मिनट लेक्चर दिया है मेरे को। दो मिनट भाई, उसने मेरा टाइम वेस्ट किया भाई, वो दो मिनट निकालना चाहिए ना मैंने, हाँ है कि नहीं। बारी के दंगल में हूँ, यहाँ से ही चोरी आपको पड़ जाएगा होगा 25-30 किलोमीटर जैसा। चोरी पहुंच गया हूं और यहां से मैं राइट मोड़ना पड़ेगा, और लेफ्ट मोड़ूंगा तो फिर जाऊंगा फिर बीरतनगर, और सीधा जाऊंगा तो मैं काठमांडू पहुंच जाऊंगा। गाइस मेरे को धारण जाना है, ठीक है, धारण जाना है। अच्छा ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है पर, अरे भाई, अरे अरे अरे, कब से शुरू हो गए भाई अब ट्रैफिक सिग्नल नहीं था तो। ओहो, एक मिनट दो सेकेंड, बाप रे, फर्स्ट बार देखा हूँ मैं यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल, पहला नहीं था। दो सेकेंड, लेट्स गो। लेट्स गो राइट पे, कहाँ रुकना है रे इसको। रुकना पड़ेगा इस पे, गाइस ये जो आप देख रहे हैं इसको तारा रखे थे, हाँ यहाँ से मेरा घर जाता है उधर जो नेपाल का, और मैं हाईवे से अंदर आ चुका हूँ।